सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। आपने एक जरूर कहावत सुनी होगी कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। जी हां, यही कर गुजर रहा है मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़ाकोटा का रहने वाला अपाहिज अन्नू फुगे। बेचकर कमाई का कुछ हिस्सा करता है जरूरतमंदों को दान। लॉकडाउन के दौरान सागर जिले के गढ़ाकोटा में एक ऐसा दानवीर निकलकर सामने आया है जो न तो सेठ है, न साहूकार, न ही बड़ा व्यापारी, फिर भी जरूरतमंदों की मदद करने का जज्बा अपने दिल में रखता है। सागर जिले के गढ़ाकोटा का रहने वाला 32 वर्षीय यह दिव्यांग युवक अन्नू अहिरवार अपने तिपहिया ट्राईसाइकिल पर ही गली मोहल्लों में बच्चों को फुग्गे बेचने का काम करता है। अपनी छोटी सी चलती फिरती दुकान में अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा घर में ही एक गुल्लक में एकत्रित करके बेसहारा व निःशक्त लोगों के लिए दोनों वक्त का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहा है। जन सहयोग से संचालित गोपाल रसोई में जाकर दान करता है। अन्नू का कहना है कि जब वह अपाहिज होकर थोड़ा बहुत दान कर सकता है इससे मुझे खुशी मिलती है। मैं किसी के काम तो आ सकता हूँ और लोगों को भी ऐसे ही जनहित के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। गौरतलब है कि नगर गढ़ाकोटा में यूनियन बैंक के पास जन सहयोग से संचालित गोपाल रसोई लगभग 5-6 वर्षों से दीन दुखियों व जरूरतमंदों को दोनों वक्त का भोजन निःशुल्क मुहैया करा रहा है। पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान चर्चा में आया गोपाल रसोई में कुछ जागरूक लोग अपने जन्मदिन व वैवाहिक वर्षगांठ के मौके पर सहयोग देने के लिए यहां आते रहते हैं। सागर से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट।